बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम रिसेप्शन क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। आई होप रिसेप्शन क्लास के आपको जो वर्क मंडे को असाइन हुआ था वो आपने अपना कंप्लीट कर लिया होगा। किस किस ने अपना वर्क कंप्लीट किया है रिसेप्शन क्लास में? सबने अपना वर्क कंप्लीट किया है? मूसा ने, मरियम ने, एंड साउंड जो हमने कल न्यू इंट्रोड्यूस किया था वो किसने लर्न कर लिया है? हैव यू लर्न द साउंड? लर्न किया है आपने रिसेप्शन क्लास? आपको पता है आज हमने वर्कबुक पे जो है वो मैचिंग करनी है साउंड, जो हमारा साउंड है फ, उससे रिलेटेड। किस किस को पता है? Now we are going to start the work reception class. अब हम अपना work start करेंगे। Firstly, take out your English workbooks. आप अपनी English की जो workbook है वो open कर लो, अपनी bag में से निकाल लो और open करो उसे। And open the page number 52. जिस पेज पे reception class 5 and 2 write हुआ होगा ना, पहले 5 write हुआ होगा फिर 2 write हुआ होगा, उस पेज को कहते हैं 52। एंड लुक एट दिस पेज, ये देखो स्क्रीन पे भी आपको शो हो रहा होगा कि पेज नंबर 52 कौन सा है। व्हाट बिगिंस विद फ? व्हाट बिगिंस विद फ? व्हाट बिगिंस विद फ? तो अब हम जल्दी से अपना, आप अपनी जल्दी से वर्कबुक्स ओपन करो, फिर हम जल्दी जल्दी अपना ये वर्क कंप्लीट करते हैं। ओके, और आप सबने मेरे साथ साथ ये कंप्लीट करना है। Look at this. This is fish. और मैंने आपको बताया था ना कि fish किसकी friend होती है? Fish तो f की friend होती है. Who is the friend of fish? And f is for f. Star कोई f का friend होता है? Star f का friend है? फ का साउंड आ रहा है स्टार में? मुझे तो साउंड नहीं आ रहा, मुझे तो स, स, स का साउंड आ रहा है, लेकिन स्टार में फ का तो साउंड ही नहीं आ रहा। तो फिर हम स्टार के साथ फ को तो मैच नहीं कर सकते ना। तो हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है। दिस इज फ्रॉग। दिस इज फ्रॉग। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्रॉग। एंड ये किसका फ्रेंड है? ये तो मुझे रिसेप्शन क्लास बताएगी। चलो अभी मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज द फ्रेंड ऑफ, ये फ का फ्रेंड है। दिस इज द फ्रेंड ऑफ फ्रॉग। इज फॉर फ्रॉग। तो अब हम इसको फ के साथ मैच कर देंगे लाइक दिस। देखा, अब मैंने मैच किया है, अब आप भी मेरे साथ इसको मैच करो। एंड लुक एट दिस, दिस इज, ये कौन है? ये है गर्ल। हु इज शी? ये गर्ल है, और गर्ल में तो सबसे फर्स्ट पे साउंड आ रहा है ग का, इसमें तो f का साउंड ही नहीं आ रहा गर्ल में। तो हम तो गर्ल को मैच नहीं कर सकते ना, ये तो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज फ्लावर। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लावर। फ्लावर। दिस इज फ्लावर। एंड हु इज द फ्रेंड ऑफ फ्लावर? फ्लावर का फ्रेंड कौन होता है? इज फॉर फ्लावर लाइक दिस। अब हमने इसको को फ्लावर के साथ मैच कर दिया। एंड देन दिस इज फ्लैमिंगो। व्हाट इज दिस? दिस इज फ्लैमिंगो। और फ्लैमिंगो में भी मुझे फ का साउंड आ रहा है। किसका साउंड आ रहा है? फ का साउंड आ रहा है। तो आप फ्लैमिंगो को भी फ के साथ मैच कर दोगे। Like this. F is for frog. F is for flower. F is for flamingo.
ओके रिसेप्शन क्लास, आपने भी अपनी मामा के पास बैठ के इसको सॉल्व कर लेना है ऐसे ही जैसे मैंने किया है। फिर आप मुझे पिक्चर सेंड करना, मैं देखूंगी रिसेप्शन क्लास ने ऐसे किया है या नहीं किया, ठीक है ना? और अब हमारा जो लेक्चर है, जो हमारी क्लास है, वो एंड हो गई है। आवर क्लास इज एंडेड नाउ। Thank you so much. Allah Hafiz. May Allah protect.